इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे स्वयं की अवधारणा का वर्णन करने और व्यवहार के आत्मनियमन के कुछ तरीके सीखने व्यक्तित्व की अवधारणा की व्याख्या करने व्यक्तित्व के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच अंतर करने व्यक्तित्व के विकास में अंतरदृष्टि विकसित करने में सक्षम होंगे स्वस्थ व्यक्तित्व और व्यक्तित्व मूल्यांकन की कुछ तकनीकों का वर्णन कर सकेंगे आत्मसंज्ञानात्मक और आत्मसम्मान आत्म प्रभावकारिता और आत्मनियमन की संस्कृति और व्यक्तित्व की आत्मसंकल का परिचय व्यक्तित्व संबंधित शर्ते बॉक्स टू पॉइंट वन व्यक्तित्व प्रकार दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण लक्षण दृष्टिकोण पांच व्यक्तित्व का कारक मॉडल बॉक्स टू पॉइंट टू मनोति दृष्टिकोण व्यवहारिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है बॉक्स टू पॉइंट थ्री व्यक्तित्व का आकलन स्व रिपोर्ट उपाय प्रक्षेपी तकनीक व्यवहार विश्लेषण अक्सर आपने खुद को अपने और दूसरों के व्यवहार को जानने और उसका मूल्यांकन करने में व्यस्त पाया होगा आपने देखा होगा कि आप कुछ स्थितियों में दूसरों से अलग तरीके से कैसे प्रतिक्रिया और व्यवहार करते हैं आपने अक्सर दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी प्रश्न पूछे होंगे इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मनोवैज्ञानिक स्वयं की धारणा का उपयोग करते हैं इसी प्रकार जब हम प्रश्न पूछते हैं कि लोग भिन्न क्यों हैं, कैसे वे घटनाओं के अलग अलग अर्थ निकालते हैं और समान स्थितियों में वे कैसा महसूस करते हैं और अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं अर्थात व्यवहार में भिन्नता से संबंधित प्रश्न व्यक्तित्व की धारणा काम आती है ये दोनों अवधारणाएं अर्थात स्वयं और व्यक्तित्व घनिष्ठ रूप से संबंधित है स्व वास्तव में व्यक्तित्व के मूल में निहित है स्वयं और व्यक्तित्व का अध्ययन हमें न केवल यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, बल्कि हमारी विशेषता और दूसरों के साथ हमारी समानता को भी समझने में मदद करता है स्वयं और व्यक्तित्व को समझकर हम स्वयं के साथ साथ दूसरों के व्यवहार को विविध परिस्थितियों में समझ सकते हैं कई विचारकों ने आत्मा और व्यक्तित्व की संरचना और कार्य का विश्लेषण किया है परिणामस्वरूप आज हमारे पास स्वयं और व्यक्तित्व पर अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोण है यह अध्याय आपको स्वयं और व्यक्तित्व के कुछ बुनियादी पहलुओं से परिचित कराएगा आप स्वयं और व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व मूल्यांकन के कुछ तरीके भी सीखेंगे स्वयं और व्यक्तित्व स्वयं और व्यक्तित्व उन विशेष तरीकों को संदर्भित करते हैं जिनमें हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं वे उन तरीकों का भी उल्लेख करते हैं जिनमें हमारे अनुभव व्यवस्थित होते हैं और हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं सामान्य अवलोकन से हम जानते हैं कि अलग अलग लोग अपने बारे में अलग अलग विचार रखते हैं ये विचार एक व्यक्ति के स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं हम यह भी जानते हैं कि अलग अलग व्यक्ति एक निश्चित स्थिति में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं लेकिन एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आमतौर पर काफी स्थिर रहता है व्यवहार का ऐसा अपेक्षाकृत स्थिर पैटर्न उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं ये व्यक्तित्व व्यक्तियों के विविध व्यवहार में परिलक्षित होते हैं स्वयं की अवधारणा अपने बचपन के दिनों से आपने ये सोचने में काफी समय बिताया होगा कि आप कौन है और आप दूसरों से कैसे अलग हैं अब तक आप पहले से ही अपने बारे में कुछ विचार विकसित कर चुके होंगे हालांकि हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता ना हो आइए हम क्रियाकलाप टू पॉइंट वन को पूरा करके अपनी स्वयं की कुछ प्रारंभिक धारणा अर्थात हम कौन है बनाने का प्रयास करें इन वाक्यों को पूरा करना आपके लिए कितना आसान रहा आपने कितना समय लिया शायद यह उतना आसान नहीं था जितना आपने पहले सोचा होगा उस पर काम करते हुए आप अपने स्वर्ग का वर्णन कर रहे थे आप अपने स्वर्ग के बारे में उसी तरह जागरूक होते हैं जैसे आप अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानते हैं जैसे कि आपके कमरे में कुर्सी या मेज एक नवजात शिशु को स्वयं का कोई पता नहीं होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है स्वयं का विचार उभरता है और उसका निर्माण शुरू होता है माता पिता दोस्त शिक्षक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं के बारे में बच्चे के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अन्य लोगों के साथ हमारी बातचीत हमारे अनुभव और हम उन्हें जो अर्थ देते हैं वे हमारे स्वयं के आधार के रूप में कार्य करते हैं स्वयं की संरचना हमारे अपने अनुभवों और अन्य लोगों के अनुभवों के प्रकाश में परिवर्तनीय है यदि आप गतिविधि टू पॉइंट वन के अंतर्गत पूरी की गई सूची का अपने अन्य मित्रों से आदान प्रदान करते हैं तो आप इसे नोटिस करेंगे ध्यान दें कि उन्होंने क्या किया है आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी पहचान के बारे में विशेषताओं की काफी लंबी सूची तैयार की है पहचान के लिए उन्होंने जिन विशेषताओं का उपयोग किया है वे हमें उनकी व्यक्तिगत और साथ ही सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताती है व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति की उन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है जब कोई व्यक्ति अपना अपना नाम जैसे मैं संजना या करीम या अपने गुण या विशेषताएं जैसे मैं ईमानदार या मेहनती व्यक्ति हूँ या अपनी क्षमताएं या क्षमताएं जैसे मैं एक गायक या नर्तक हूँ या उसकी उसकी मान्यताएं जैसे मैं ईश्वर या नीति में विश्वास करता हूँ व्यक्तिगत पहचान का खुलासा कर रहा है सामाजिक पहचान एक व्यक्ति के उन पहलुओं को संदर्भित करती है जो उसे एक सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से जोड़ते हैं या उससे प्राप्त होते हैं जब कोई कहता है कि वह एक हिंदू या मुसलमान एक ब्राह्मण या एक आदिवासी या एक उत्तर भारतीय या एक दक्षिण भारतीय या ऐसा कुछ है तो वह अपनी सामाजिक पहचान को इंगित करने का प्रयास कर रहा है ये विवरण उस तरीके को चित्रित करते हैं जिस तरह से लोग मानसिक रूप से एक व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार स्वयं का अर्थ किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में उसके सचेतन अनुभवों विचारों विचारों और भावनाओं की समग्रता से है ये अनुभव और विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं स्वयं विषय के रूप में और स्वयं वस्तु के रूप में यदि आप गतिविधि टू पॉइंट वन में अपने मित्रों के विवरण पर लौटते हैं तो आप पाएंगे कि उन्होंने स्वयं को या तो एक इकाई के रूप में वर्णित किया है जो कुछ करता है जैसे मैं एक नर्तकी हूँ या एक इकाई के रूप में जिस पर कुछ है किया हुआ जैसे मैं वह हूँ जिसे आसानी से चोट लग जाती है पूर्व मामले में स्वयं को विषय जो कुछ करता है के रूप में वर्णित किया गया है बाद वाले मामले में स्वयं को एक वस्तु जो प्रभावित हो जाता है के रूप में वर्णित किया गया है इसका अर्थ है कि स्वयं को एक विषय के साथ साथ एक वस्तु के रूप में भी समझा जा सकता है जब आप कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं तो स्वयं को ज्ञाता के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसे ज्ञात किया जा सकता है एक विषय अभिनेता के रूप में स्वयं स्वयं को जानने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होता है एक वस्तु परिणाम के रूप में स्वयं का अवलोकन किया जाता है और जाना जाता है स्वयं की इस दोहरी स्थिति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए स्व के प्रकार स्व के कई प्रकार होते हैं वे हमारे भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ हमारी इंतक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं स्वयं के पहले तत्वों पर ध्यान दिया जा सकता है जब एक नवजात शिशु भूख लगने पर दूध के लिए रोता है हालांकि ये रोना प्रतिबिंब पर आधारित है ये बाद में जागरूकता के विकास की ओर ले जाता है कि मुझे भूख लगी है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में ये जैविक स्व स्वयं को संशोधित करता है जबकि आपको चॉकलेट के लिए भूख लग सकती है एक एस्किमो को नहीं व्यक्तिगत और सामाजिक स्व के बीच एक अंतर किया जाता है व्यक्तिगत स्वय एक ऐसे अभिविन्यास की ओर ले जाता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से स्वयं से संबंधित महसूस करता है हमने ऊपर बात की है कि कैसे हमारी जैविक जरूरतें एक जैविक आत्मक के विकास की ओर ले जाती हैं लेकिन जल्द ही एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें उसके, उसके पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वयं के अन्य घटकों को उभरने के लिए प्रेरित करती है जीवन के उन पहलुओं पर जोर दिया जाता है जो केवल संबंधित व्यक्ति से संबंधित होते हैं जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत जिम्मेदारी व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत आराम सामाजिक आत्मा दूसरों के साथ संबंध में उभरता है और जीवन के ऐसे पहलुओं पर जोर देता है जैसे सहयोग एकता संबद्धता त्याग समर्थन या साझा करना यह स्वयं पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है इसलिए इसे पारिवारिक या संबंध पर रूप में भी जाना जाता है आत्मा के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पहलू विश्व के सभी भागों के मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं के अध्ययन में रुचि दिखाई है इन अध्ययनों ने हमारे स्वयं से संबंधित व्यवहार के कई पहलुओं को सामने लाया है जैसा कि पहले संकेत दिया गया है हम सभी अपने भीतर इस बात का बोध रखते हैं कि हम कौन है और क्या चीज हमें सबसे अलग बनाती है हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से चिपके रहते हैं और इस ज्ञान में सुरक्षित महसूस करते हैं कि ये हमारे जीवन काल में स्थिर रहता है जिस तरह से हम खुद को देखते हैं और अपनी क्षमताओं और विशेषताओं के बारे में हम जो विचार रखते हैं उसे भी अवधारणा कहा जाता है एक बहुत ही सामान्य स्तर पर स्वयं के बारे में ये दृष्टिकोण समग्र रूप से या तो सकारात्मक या नकारात्मक होता है एक अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति का अपनी एथलेटिक बहादुरी के बारे में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन उसकी उसकी शैक्षणिक प्रतिभाओं के बारे में एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है इससे भी अधिक विशिष्ट स्तर पर किसी की पढ़ने की क्षमता के बारे में एक सकारात्मक अवधारणा हो सकती है लेकिन किसी के गणितीय कौशल के बारे में एक नकारात्मक किसी व्यक्ति की आत्मा अवधारणा का पता लगाना आसान नहीं है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि में व्यक्ति से उसके बारे में पूछना शामिल है आत्मसम्मान आत्मसम्मान हमारे आत्मा का एक महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा अपने स्वयं के मूल्य या योग्यता के बारे में कुछ निर्णय करते हैं किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में इस मूल्य निर्णय को आत्मसम्मान कहा जाता है कुछ लोगों में उच्च आत्मसम्मान होता है जबकि अन्य में कम आत्मसम्मान हो सकता है आत्मसम्मान का आकलन करने के लिए हम एक व्यक्ति को कई तरह के कथन प्रस्तुत करते हैं और उससे ये बताने के लिए कहते हैं कि वे कथन उसके या उसके लिए किस हद तक सही है उदाहरण के लिए हम एक बच्चे से ये बताने के लिए कह सकते हैं कि मैं गृह कार्य में अच्छा हूं या मैं वह हूँ जो आमतौर पर खेलों के लिए चुना जाता है या मुझे अपने साथियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है जैसे कथन किस हद तक है उसका उसका सच यदि कोई बच्चा इन कथनों को अपने लिए सही बताता है तो उसका उसका आत्मसम्मान किसी के नहीं कहने की तुलना में अधिक होगा अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सिक्स से सेवन वर्ष की आयु तक बच्चों ने कम से कम चार क्षेत्रों में आत्मसम्मान का गठन किया है शैक्षणिक क्षमता सामाजिक क्षमता शारीरिक अथलैतिक क्षमता और शारीरिक उपस्थिति जो उम्र के साथ और अधिक परिष्कृत हो जाते हैं स्थिर स्वभावों के संदर्भ में स्वयं को देखने की हमारी क्षमता हमें अलग अलग स्वमूल्यांकनों को स्वयं की एक सामान्य मनोवैज्ञानिक छवि में संयोजित करने की अनुमति देती है इसे आत्मसम्मान की समग्र भावना के रूप में जाना जाता है आत्मसम्मान हमारे दैनिक व्यवहार के साथ एक मजबूत संबंध दर्शाता है उदाहरण के लिए उच्च शैक्षणिक आत्मसम्मान वाले बच्चे कम शैक्षणिक आत्मसम्मान वाले बच्चों की तुलना में स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उच्च सामाजिक आत्मसम्मान वाले बच्चे कम सामाजिक आत्मसम्मान वाले बच्चों की तुलना में अपने साथियों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं दूसरी ओर सभी क्षेत्रों में कम आत्मसम्मान वाले बच्चे अक्सर चिंता अवसाद और बढ़ते असामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करते पाए जाते हैं अध्ययनों से पता चला है कि गर्मजोशी और सकारात्मक पालन पोषण बच्चों में उच्च आत्मसम्मान के विकास में मदद करता है क्योंकि यह उन्हें ये जानने की अनुमति देता है कि उन्हें सक्षम और योग्य के रूप में स्वीकार किया जाता है बच्चे जिनके माता पिता सहायता की आवश्यकता न होने पर भी उनकी मदद करते हैं या उनके लिए निर्णय लेते हैं अक्सर कम आत्मसम्मान से पीड़ित होते हैं आत्म प्रभावकारिता आत्म प्रभावकारिता हमारे स्वयं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लोग उस हद तक भिन्न होते हैं जिस हद तक वे मानते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन के परिणामों को नियंत्रित करते हैं या परिणाम भाग्य या भाग्य या अन्य स्थितिजन्य कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं उदा एक परीक्षा उत्तीर्ण करना एक व्यक्ति जो मानता है कि उसके पास किसी विशेष स्थिति के लिए आवश्यक क्षमता या व्यवहार है वह उच्च आत्म प्रभावकारिता प्रदर्शित करता है स्व प्रभावकारिता की धारणा बंडुरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है बंडूरा के प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों और वयस्कों ने दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके व्यवहार सीखा भहारत या उपलब्धि के लोगों की उम्मीदें और उनकी अपनी प्रभावशीलता के बारे में उनका दृढ़ विश्वास भी उस प्रकार के व्यवहार को निर्धारित करता है जिसमें वे संलग्न होंगे साथ ही जोखिम की मात्रा भी जो वे उठाएंगे आत्मप्रभावकारिता की एक मजबूत भावना लोगों को अपने स्वयं के जीवन की परिस्थितियों का चयन करने प्रभावित करने और यहां तक कि निर्माण करने की अनुमति देती है आत्मप्रभावकारिता की प्रबल भावना वाले लोग भी कम भयभीत महसूस करते हैं आत्मप्रभावकारिता विकसित की जा सकती है उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले लोगों को धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लेने के क्षण में पाया गया है हमारा समाज हमारे माता पिता और हमारे स्वयं के सकारात्मक अनुभव बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सकारात्मक मॉडल प्रस्तुत करके आत्म प्रभावकारिता की एक मजबूत भावना के विकास में मदद कर सकते हैं स्वविनियमन स्व विनियमन हमारे अपने व्यवहार को व्यवस्थित और मॉनिटर करने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है जो लोग बाहरी वातावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम होते हैं वे स्व निगरानी में उच्च होते हैं जीवन की कई स्थितियों में स्थितिजन्य दबावों के प्रतिरोध और स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है ये सामान्य रूप से इच्छा शक्ति के रूप में जाना जाने वाले के माध्यम से संभव हो जाता है मनुष्य के रूप में हम अपने व्यवहार को जिस तरह से हम चाहते हैं नियंत्रित कर सकते हैं हम अक्सर कुछ जरूरतों की संतुष्टि में देरी या देरी करने का निर्णय लेते हैं आवश्यकताओं की तुष्टि में देरी या देरी करना सीखना आत्मनियंत्रण कहलाता है दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति में आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा हमें आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र जैसे व्रत या रोजा में उपवास और सांसारिक चीजों के साथ वैराग्य प्रदान करती है आत्मनियंत्रण की कई मनोवैज्ञानिक तकनीकों का भी सुझाव दिया गया है स्वयं के व्यवहार का अवलोकन उनमें से एक है ये हमें आवश्यक जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग स्वयं के कुछ पहलुओं को बदलने संशोधित करने या मजबूत करने के लिए किया जा सकता है स्वनिर्देश एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है हम अक्सर खुद को कुछ करने और जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार करने का निर्देश देते हैं इस तरह के निर्देश स्वनियमन में काफी प्रभावी होते हैं आत्मशुद्वीकरण तीसरी तकनीक है इसमें पुरस्कृत व्यवहार शामिल है जिनके सुखद परिणाम है उदाहरण के लिए यदि आपने किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं इन तकनीकों को आजमाया गया है और स्वनियमन और आत्मनियंत्रण के संबंध में काफी प्रभावी पाया गया है संस्कृति और स्वयं स्वयं के कई पहलू उस संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिसमें एक व्यक्ति रहता है भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में किए गए स्वयं के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है जो पश्चिमी सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले से अलग है भारतीय और पश्चिमी विचारों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वयं और दूसरे के बीच सीमा कैसे खींची जाती है पश्चिमी दृष्टि से ये सीमा अपेक्षाकृत स्थिर प्रतीत होती है दूसरी ओर स्वयं के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से सीमा की परिवर्तनशील प्रकृति की विशेषता है इस प्रकार समय के एक क्षण में हमारा ब्रह्मांड के साथ विलय करने या दूसरों को शामिल करने के लिए फैलता है लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से इससे हट गया है और पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वयं पर केंद्रित है जैसे हमारी व्यक्तिगत जरूरतें या लक्ष्य पश्चिमी दृष्टिकोण स्वयं और अन्य मनुष्य और प्रकृति व्यक्तिपरक और उद्देश्य के बीच स्पष्ट विरोधाभास भाषा है भारतीय दृष्टिकोण इस तरह के स्पष्ट विभाजन नहीं करता है चित्र टू पॉइंट वन इस संबंध को दर्शाता है पश्चिमी संस्कृति में स्वयं और समूह स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के साथ दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में मौजूद है समूह के व्यक्तिगत सदस्य अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं भारतीय संस्कृति में स्वयं को आमतौर पर अपने समूह से अलग नहीं किया जाता है बल्कि दोनों सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति में रहते हैं दूसरी ओर पश्चिमी संस्कृति में वे अक्सर दूरी बनाए रखते हैं यही कारण है कि कई पश्चिमी संस्कृतियों को व्यक्तिवादी के रूप में चित्रित किया जाता है जबकि कई एशियाई संस्कृतियों को सामूहिकता के रूप में चित्रित किया जाता है व्यक्तित्व की अवधारणा व्यक्तित्व शब्द अक्सर हमारी दिन प्रतिदिन की चर्चा में दिखाई देता है व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द परसोना से लिया गया है रोमन थिएटर में अभिनेताओं द्वारा उनके चेहरे के मेकअप को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुखौटा मुखौटा लगाने के बाद दर्शक उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति एक विशेष तरीके से भूमिका निभाएगा हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दी गई भूमिका निभाने वाले व्यक्ति में आवश्यक रूप से वे गुण होते हैं एक साधारण व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व आमतौर पर किसी व्यक्ति की शारीरिक या बाहरी उपस्थिति को संदर्भित करता है उदाहरण के लिए जब हम किसी को सुंदर देखते हैं तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का भी है व्यक्तित्व की यह धारणा सती छापों पर आधारित है जो सही नहीं हो सकती है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व व्यक्तियों और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के हमारे विशिष्ट तरीकों को संदर्भित करता है तो लोग आसानी से उस तरीके का वर्णन कर सकते हैं जिसमें वे विभिन्न स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कुछ आकर्षक शब्द जैसे शर्मीले संवेदनशील शांत चिंतित गर्म आदि अक्सर उपयोग किए जाते हैं ये शब्द व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों को संदर्भित करते हैं इस अर्थ में व्यक्तित्व अद्वितीय और अपेक्षाकृत स्थिर गुणों को संदर्भित करता है जो समय की अवधि में विभिन्न स्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार को चित्रित करता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अपने व्यवहार में विविधता दिखाते हैं व्यक्ति हमेशा सतर्क या आवेगी शर्मिला या मित्रवत नहीं होता है व्यक्तित्व व्यक्तियों की विशेषता है क्योंकि वे ज्यादातर परिस्थितियों में दिखाई देते हैं एक व्यक्ति के व्यवहार विचार और भावनाओं में परिस्थितियों और समय अवधि के दौरान निरंतरता उसके व्यक्तित्व की विशेषता है उदाहरण के लिए एक ईमानदार व्यक्ति के समय या स्थिति के बावजूद ईमानदार बने रहने की संभावना अधिक होती है हालांकि व्यवहार में स्थितिजन्य भिन्नताएं होती हैं क्योंकि वे व्यक्तियों को उनकी पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करती हैं संक्षेप में व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं वन इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं टू व्यवहार के संदर्भ में इसकी अभिव्यक्ति किसी दिए गए व्यक्ति में काफी अनोखी होती है थ्री इसकी मुख्य विशेषताएं समय के साथ आसानी से नहीं बदलती फोर यह इस अर्थ में गतिशील है कि इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक या बाहर स्थितिजन्य मांगों के कारण बदल सकती है इस प्रकार व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुकूल होता है एक बार जब हम किसी के व्यक्तित्व को चित्रित करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा व्यक्तित्व की समझ हमें लोगों के साथ यथार्थवादी और स्वीकार्य तरीकों से व्यवहार करने की अनुमति देती है उदाहरण के लिए यदि आपको कोई बच्चा मिलता है जो आदेश पसंद नहीं करता है तो उस बच्चे से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका आदेश देना नहीं होगा बल्कि स्वीकार्य विकल्पों का एक सेट पेश करना होगा जिससे बच्चा चुन सकता है इसी तरह जिस बच्चे में हीनता की भावना है उसे आत्मविश्वासी बच्चे से अलग व्यवहार करने की जरूरत है व्यक्तियों की व्यवहार संबंधी विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए कई अन्य शब्दों का उपयोग किया जाता है प्रायः इनका प्रयोग व्यक्तित्व के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है इनमें से कुछ शब्द बॉक्स 2.1 में उनकी पारिभाषिक विशेषताओं के साथ दिए गए हैं आप उन्हें यह समझने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं कि वे व्यक्तित्व की धारणा से किस प्रकार भिन्न है व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण व्यक्तित्व के अध्ययन में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में दो बच्चे नाटकीय रूप से भिन्न व्यक्तित्व विकसित करते हैं वे न केवल शारीरिक रूप से अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार भी करते हैं ये अवलोकन अक्सर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और हमें ये पूछने के लिए मजबूर करते हैं ऐसा क्यों है कि कुछ लोग किसी स्थिति में दूसरों की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साहसिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं जबकि अन्य लोग पढ़ना टेलीविजन देखना या ताश खेलना पसंद करते हैं क्या ये अंतर किसी के जीवन भर स्थिर है या ये केवल अल्पकालिक और स्थिति विशिष्ट है व्यक्तियों के बीच व्यवहारिक भिन्नताओं और एक व्यक्ति के भीतर व्यवहारिक संगति को समझने और समझाने के लिए कई दृष्टिकोण और सिद्धांत विकसित किए गए हैं ये सिद्धांत मानव व्यवहार के विभिन्न मॉडलों पर आधारित हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालता है लेकिन सभी पहलुओं पर नहीं मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के प्रकार और विशेषता दृष्टिकोण के बीच अंतर करते हैं प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्तियों की देखी गई व्यवहारिक विशेषताओं में कुछ व्यापक प्रतिमानों की जांच करके मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं प्रत्येक व्यवहार पैटर्न एक प्रकार को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्तियों को उस पैटर्न के साथ उनकी व्यवहारिक विशेषताओं की समानता के संदर्भ में रखा जाता है इसके विपरीत विशेषता दृष्टिकोण विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके साथ व्यक्ति सुसंगत और स्थिर तरीके से भिन्न होते हैं उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक या एक व्यक्ति कम मैत्रीपूर्ण हो सकता है जबकि दूसरा अधिक हो सकता है यहां शर्मिलापिन और मित्रता उन लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके साथ व्यक्तियों को संबंधित व्यवहार गुणवत्ता या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति की डिग्री के संदर्भ में आंका जा सकता है अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण मानता है कि स्थितिजन्य विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो अपने आंतरिक व्यक्तित्व गुण के कारण नहीं बल्कि किसी विशेष स्थिति में उपलब्ध बाहरी पुरस्कारों या खतरों के कारण निर्भर या स्वतंत्र व्यवहार कर सकते हैं लक्षणों की क्रॉस स्थितिजन्य स्थिरता काफी कम पाई गई है परिस्थितियों के सम्मोहक प्रभाव को बाजार अदालत कक्ष या पूजा स्थल जैसी जगहों पर लोगों के व्यवहार को देखकर देखा जा सकता है प्रकार के दृष्टिकोण जैसा कि हमने ऊपर बताया व्यक्तित्व प्रकारों का उपयोग समानताओं के आधार पर अपेक्षित व्यवहारों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने और संचार करने के लिए किया जाता है लोगों को व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत करने के प्रयास प्राचीन काल से किए गए हैं ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने द्रव या हास्य के आधार पर व्यक्तित्व का एक प्रकार प्रस्तावित किया था उन्होंने लोगों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया अर्थात साड्रोइन कफनाशक उदासीन और पित्तशामक प्रत्येक विशिष्ट व्यवहार विशेषताओं द्वारा विशेषता है भारत में भी आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता त्रिदोष कहे जाने वाले तीन मानवीय तत्वों के आधार पर लोगों को वादपित और कफ की श्रेणियों में वर्गीकृत करती है प्रत्येक एक प्रकार के स्वभाव को संदर्भित करता है जिसे व्यक्ति की प्रकृति मूल प्रकृति कहा जाता है इसके अलावा त्रिगुणों यानी सत्व रजस और तमस पर आधारित व्यक्तित्व का एक प्रकार भी है सत्व गुण में स्वच्छता सच्चाई कर्तव्य प्राणता वैराग्य अनुशासन आदि गुण शामिल हैं रजस गुण में गहन गतिविधि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा असंतोष दूसरों के लिए ईर्ष्या और एक भौतिकवादी मानसिकता आदि शामिल है तामस गुण क्रोध अहंकार अवसाद आलस्य लाचारी की भावना आदि तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं एक या दूसरे गुण की प्रबलता एक विशेष प्रकार के व्यवहार को जन्म दे सकती है मनोविज्ञान के अंतर्गत चेल्ड्रन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार काफी प्रसिद्ध है मुख्य आधार के रूप में बॉडी बिल्ड और स्वभाव का उपयोग करते हुए चेल्ड्रन ने एंडोमोर्फिक मिसोमोर्फिक और एक्टोमोर्फिक टाइपोलॉजी का प्रस्ताव रखा एंडोमोर्फ मोटे मुलायम और गोल होते हैं स्वभाव से ये तनाव मुक्त और मिलनसार होते हैं मिसोमोर्फ में मजबूत मानसलता होती है एक मजबूत शरीर निर्माण के साथ आयताकार होते हैं ये ऊर्जावान और साहसी होते हैं इक्टोमॉक शरीर निर्माण में पतले लंबे और नाजुक होते हैं ये दिमागी कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं हमें याद रखना चाहिए कि ये शरीर के प्रकार सरल हैं और व्यक्तियों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में इनका सीमित उपयोग है वे रूढ़िवाधिता की तरह अधिक हैं जो लोग धारण करते हैं जन्म ने लोगों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में सम्मूखीकृत करके एक और महत्वपूर्ण टाइपोलॉजी प्रस्तावित की है ये व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है इस टाइपोलॉजी के अनुसार अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं दूसरों से बचते हैं भावनात्मक संघर्षों के सामने खुद को पीछे हटा लेते हैं और शर्मीले होते हैं दूसरी ओर बहिर्मुखी मिलनसार बाहर जाने वाले ऐसे व्यवसायों के लिए तैयार होते हैं जो लोगों के साथ सीधे व्यवहार करने की अनुमति देते हैं और लोगों और सामाजिक गतिविधियों के बीच खुद को खोने की कोशिश करके तनाव पर प्रतिक्रिया करते हैं हाल के वर्षों में फ्रीडमैन और रोसेनमैन ने व्यक्तियों को टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व में वर्गीकृत किया है दो शोधकर्ता मनोसामाजिक जोखिम कारकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने इन प्रकारों की खोज की टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च प्रेरणा धैर्य की कमी समय की कमी महसूस करना बहुत जल्दी में रहना और हमेशा काम के बोझ से दबे रहना महसूस होता है ऐसे लोगों को धीमा करना और आराम करना मुश्किल लगता है टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हृदय रोग सीएचडी जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं टाइप ए व्यक्तित्व वाले सीएचडी के विकास का जोखिम कभी कभी उच्च रक्तचाप उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर या धूमपान के कारण होने वाले जोखिमों से भी अधिक होता है इसके विपरीत टाइप बी व्यक्तित्व है जिसे टाइप ए लक्षणों की अनुपस्थिति के रूप में समझा जा सकता है इस टाइपोलॉजी को और बढ़ा दिया गया है मॉरिस ने एक टाइप सी व्यक्तित्व का सुझाव दिया है जो कैंसर से ग्रस्त है इस व्यक्तित्व की विशेषता वाले व्यक्ति सहयोगी अप्रतिष्ठित और धैर्यवान होते हैं वे अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध को दबाते हैं और अधिकार का अनुपालन करते हैं हाल ही में एक टाइप डी व्यक्तित्व का सुझाव दिया गया है जो कि अवसाद के लिए प्रवणता की विशेषता है व्यक्तित्व के प्रकार आमतौर पर बहुत आकर्षक होते हैं लेकिन बहुत सरल होते हैं मानव व्यवहार अत्यधिक जटिल और परिवर्तनशील है लोगों को एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के लिए निर्दिष्ट करना कठिन है लोग इस तरह की सरल वर्गीकरण योजनाओं में इतने करीने से फिट नहीं बैठते विशेषता दृष्टिकोण ये सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्तित्व के बुनियादी घटकों के विवरण या लक्षण वर्णन से संबंधित है वे व्यक्तित्व के बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज करने का प्रयास करते हैं मनुष्य मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में विविधताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है फिर भी उन्हें व्यक्तित्व लक्षणों की छोटी संख्या में जोड़ना संभव है विशेषता दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव के समान है उदाहरण के लिए जब हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति मिलनसार है तो हम मान लेते हैं कि वह न केवल सहयोगी मित्रवत और मददगार होगा बल्कि ऐसे व्यवहारों में भी शामिल होगा जिसमें अन्य सामाजिक घटक शामिल हैं इस प्रकार विशेषता दृष्टिकोण लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है एक विशेषता को एक अपेक्षाकृत स्थायी विशेषता या गुणवत्ता के रूप में माना जाता है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है उनमें कई संभावित व्यवहार शामिल हैं जो स्थिति की मानवों के अनुसार सक्रिय होते हैं संक्षेप में एक लक्षण समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं बी वे आमतौर पर स्थितियों में सुसंगत होते हैं और सी उनकी ताकत और संयोजन व्यक्तित्व में व्यक्तिगत अंतर के लिए अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होते हैं कई मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांतों को तैयार करने के लिए विशेषकों का उपयोग किया है हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे ऑलपोर्ट की विशेषता सिद्धांत गॉर्डन ऑलपोर्ट को विशेषता दृष्टिकोण का अग्रणी माना जाता है उन्होंने प्रस्तावित किया कि व्यक्तियों में कई लक्षण होते हैं जो प्रकृति में गतिशील होते हैं वे इस तरह से व्यवहार का निर्धारण करते हैं कि एक व्यक्ति समान योजनाओं के साथ विभिन्न स्थितियों का सामना करता है लक्षण उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करते हैं जो अन्यथा भिन्न दिखते हैं ऑलपोर्ट ने तर्क दिया कि लोग खुद को और दूसरों को वर्णित करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे मानव व्यक्तित्व को समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं उन्होंने किसी व्यक्ति का वर्णन करने वाले लक्षणों को देखने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का विश्लेषण किया इसके आधार पर ऑलपोर्ट ने मुख्य केंद्रीय और माध्यमिक लक्षणों को वर्गीकृत किया कार्डिनल लक्षण अत्यधिक सामान्यकृत स्वभाव है वे उस लक्ष्य को इंगित करते हैं जिसके चारों ओर एक व्यक्ति का पूरा जीवन घूमता हुआ प्रतीत होता है महात्मा गांधी की अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद प्रमुख लक्षणों के उदाहरण है ऐसे लक्षण अक्सर व्यक्ति के नाम के साथ इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि वे गांधीवादी या हिटलरियन विशेषता जैसी पहचान प्राप्त कर लेते हैं प्रभाव में कम व्यापक लेकिन अभी भी काफी सामान्यकृत स्वभाव केंद्रीय लक्षण कहलाते हैं ये लक्षण जैसे गर्म ईमानदार मेहनती आदि अक्सर किसी व्यक्ति के लिए प्रशंसा पत्र या नौकरी की सिफारिश लिखने में उपयोग किए जाते हैं किसी व्यक्ति की सबसे कम सामान्यकृत विशेषताओं को द्वितीय लक्षण कहा जाता है लक्षण जैसे आमों को पसंद करते हैं या जातीय कपड़े पसंद करते हैं द्वितीयक लक्षणों के उदाहरण हैं जबकि ऑलपोर्ट ने व्यवहार पर स्थितियों के प्रभाव को स्वीकार किया उनका मानना था कि जिस तरह से एक व्यक्ति दी गई स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है वह उसके लक्षणों पर निर्भर करता है हालांकि समान लक्षणों को साझा करने वाले लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं ऑलपोर्ट ने लक्षणों को अधिक हस्तक्षेप करने वाले चर की तरह माना जो उत्तेजना की स्थिति और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बीच होते हैं इसका मतलब यह था कि गुणों में कोई भी भिन्नता एक ही स्थिति के लिए एक अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी कैटेल व्यक्तित्व कारक रेमन कैटेल का मानना था कि एक सामान्य संरचना होती है जिसके आधार पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं ये संरचना अनुभवजनीय रूप से निर्धारित की जा सकती है उन्होंने भाषा में पाए जाने वाले वर्णात्मक विशेषणों की एक विशाल श्रृंखला से प्राथमिक लक्षणों की पहचान करने का प्रयास किया उन्होंने सामान्य संरचनाओं की खोज के लिए एक सांख्यिकीय कि तकनीक लागू की जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है उन्होंने सिक्सटीन प्राथमिक या स्रोत लक्षण पाए स्रोत लक्षण स्थिर हैं और व्यक्तित्व के निर्माण खंड के रूप में माने जाते हैं इनके अलावा कई सतह लक्षण भी हैं जो स्रोत लक्षणों की बातचीत से उत्पन्न होते हैं कैटेल ने विरोधी प्रवृत्तियों के संदर्भ में स्रोत लक्षणों का वर्णन किया उन्होंने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए सोलह व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली सिक्सटीन पीएफ नामक एक परीक्षण विकसित किया यह परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसेनिक की थ्योरी सेनिक ने प्रस्तावित किया कि व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों में कम किया जा सकता है ये जैविक और आनुवंशिक रूप से आधारित है प्रत्येक आयाम कई विशिष्ट लक्षणों को समाहित करता है ये आयाम है वन शुद्धता बनाम भावनात्मक स्थिरता यह उस सीमा को संदर्भित करता है जिस हद तक लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं आयाम के एक चरम पर हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो विक्षिप्त हैं वे चिंतित मूडी स्पर्शी बेचैन होते हैं और जल्दी ही नियंत्रण खो देते हैं दूसरी ओर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं जो शांत संतुलित विश्वसनीय और नियंत्रण में रहते हैं तो बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता यह उस सीमा को संदर्भित करता है जिससे लोग सामाजिक रूप से बहिर्मुखी या सामाजिक रूप से पीछे हट जाते हैं एक चरम पर वे हैं जो सक्रिय मिलनसार आवेगी और रोमांचकारी है दूसरे छोर पर वे लोग हैं जो निष्क्रिय शांत सतर्क और आरक्षित हैं बाद के एक काम में इसेनिक ने एक तीसरा आयाम प्रस्तावित किया जिसे मनोविश्लेषण बनाम सामाजिकता कहा जाता है जिसे ऊपर उल्लिखित अन्य दो आयामों के साथ बातचीत करने के लिए माना जाता है एक व्यक्ति जो मनोविश्लेषण आयाम पर उच्च स्कोर करता है वह शत्रुतापूर्ण अहंकारी और असामाजिक होता है इसेनिक व्यक्तित्व प्रश्नावली वह परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तित्व के इन आयामों के अध्ययन के लिए किया जाता है विशेषता दृष्टिकोण बहुत लोकप्रिय है और इस संबंध में कई प्रगति हो रही है ये आपके वर्तमान अध्ययन के दायरे से बाहर है एक नया सूत्रीकरण भी उन्नत किया गया है जो लक्षणों को व्यवस्थित करने की एक नई योजना प्रदान करता है यह नया सूत्रीकरण बॉक्स टू पॉइंट टू में दिया गया है। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल व्यक्तित्व के बुनियादी गुणों की संख्या के संबंध में विवाद ने हाल के वर्षों में एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है पॉल कोस्टा और रॉबर्ट ने व्यक्तित्व के सभी मैके की जाँच की है निष्कर्ष पांच कारकों के एक सेट का संकेत देते हैं उन्हें अक्सर बिग फाइव फैक्टर कहा जाता है इन कारकों में शामिल है वन अनुभव के लिए खुलापन जो लोग इस कारक पर उच्च स्को करते हैं वे कल्पनाशील जिज्ञासु नए विचारों के लिए खुले और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं इसके विपरीत कम स्को करने वाले कठोर होते हैं टू बहिर्मुखता यह उन लोगों की विशेषता है जो सामाजिक रूप से सक्रिय मुखर बहिर्मुखी बातूनी और मौज मस्ती करने वाले हैं इसके विपरीत शर्मीले लोग होते हैं थ्री सहमकता ये कारक उन लोगों की विशेषता है जो सहायक सहकारी मित्रवत देखभाल करने वाले और पोषण करने वाले हैं इसके विपरीत वे लोग है जो हैं जो शत्रुतापूर्ण और आत्मकेदित हैं फोर्थ मनोविक शुद्धता जो लोग इस कारक पर उच्च को करते हैं वे भावनात्मक रूप से अस्थिर चिंतित चिंतित भयभीत व्यथित चिड़चिड़े और उच्च रक्षाप से ग्रस्त होते हैं विपरीत दिशा में वे लोग हैं जो अच्छी तरह से समायोजित हैं फाइव कर्तव्यनिष्ठा जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे उपलब्धि उन्मुख भरोसेमंद जिम्मेदार विवेकपूर्ण मेहनती और आत्मनियंत्रित होते हैं इसके विपरीत वे लोग हैं जो आवेगी हैं ये पांच कारक मॉडल व्यक्तित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है यह विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के व्यक्तित्व प्रोफाइल को समझने में उपयोगी पाया गया है हालांकि यह विभिन्न भाषाओं में पाए जाने वाले व्यक्तित्व लक्षणों के विश्लेषण के अनुरूप है यह विभिन्न तरीकों से किए गए व्यक्तित्व के अध्ययन से भी समर्थित है इसलिए अब इसे व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए सबसे आशाजनिक अनुभवजनिक दृष्टिकोण माना जाता है विशेषता व्यवहार करने का स्थिर लगातार और विशेष तरीका स्वभाव किसी व्यक्ति की दी गई स्थिति पर एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति चरित्र नियमित रूप से होने वाले व्यवहार का समग्र स्वरूप आदत व्यवहार के सीखे हुए तरीके मूल्य लक्ष्य और आदर्श जिन्हें प्राप्त करना महत्वपूर्ण और सार्थक माना जाता है मनोगति के दृष्टिकोण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए यह एक अत्यधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण है यह विचार काफी हद तक सिगमंद फ्रॉड के योगदान के कारण है वह एक चिकित्सक थे और उन्होंने इस सिद्धांत को अपने नैदानिक अभ्यास के दौरान विकसित किया अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं वाले लोगों के इलाज के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि उनके कई रोगियों को अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की जरूरत है और उनके बारे में बात करने से वे अक्सर बेहतर महसूस करते हैं फ्रॉयड ने मन की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने के लिए मुक्त साहचरित एक विधि जिसमें एक व्यक्ति को अपने मन में आने वाले सभी विचारों भावनाओं और विचारों को खुले तौर पर साझा करने के लिए कहा जाता है स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों के विश्लेषण का उपयोग किया चेतना के स्तर फ्रॉयड का सिद्धांत भावनात्मक संघर्षों के स्रोतों और परिणामों पर विचार करता है और जिस तरह से लोग इनसे निपटते हैं ऐसा करने में यह मानव मन को चेतना के तीन स्तरों के संदर्भ में देखता है पहला स्तर सचेतन है जिसमें वे विचार भावनाएं और कार्य शामिल हैं जिनके बारे में लोग जागरूक हैं दूसरा स्तर अचेतन है जिसमें मानसिक गतिविधि शामिल है जिसके बारे में लोग तभी जागरूक हो सकते हैं जब वे इसे बारीकी से देखें तीसरा स्तर अचेतन है जिसमें मानसिक गतिविधि शामिल है जिससे लोग अनजान है फ्रॉइड के अनुसार अचेतन सहज या पशु ड्राइव का भंडार है यह उन सभी विचारों और इच्छाओं को भी संग्रहित करता है जो सचेत जागरूकता से छिपे हुए हैं शायद क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक संघर्षों को जन्म देते हैं इनमें से अधिकांश यौन इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए उनका दमन किया जाता है तो वे चेतन आवेगों को व्यक्त करने के लिए या उन आवेगों को अभिव्यक्त होने से दूर रखने के लिए या तो कुछ सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके खोजने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं संघर्षों के असफल समाधान के परिणाम स्वरूप असामान्य व्यवहार होता है भूलने गलत उच्चारण मजाक और सपनों का विश्लेषण हमें अचेतन तक पहुंचने का साधन प्रदान करता है फ्रॉइड ने एक चिकित्सीय प्रक्रिया विकसित की जिसे मनोविश्लेषण कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का मूल लक्ष्य दमित अचेतन सामग्री को चेतना में लाना है जिससे लोगों को अधिक आत्म जागरूक और एकीकृत तरीके से जीने में मदद मिलती है व्यक्तित्व की संरचना फ्रॉड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व तीन है अर्थात आईडी अहंकार और प्रति अहंकार वे अचेतन में बलों के रूप में निवास करते हैं और लोगों के व्यवहार के तरीकों से उनका अनुमान लगाया जा सकता है चित्र टू पॉइंट देखें आइए हम याद रखें कि आईडी अहंकार और सुपरिगो अवधारणाएं हैं वास्तविक भौतिक संरचनाएं नहीं हम इन शर्तों पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे आईडी ये व्यक्ति की सहज ऊर्जा का स्रोत है यह आदिम जरूरतों यौन इच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तत्काल संतुष्टि से संबंधित है यह खुशी के सिद्धांत पर काम करता है जो मानता है कि लोग खुशी की तलाश करते हैं और दर्द से बचने की कोशिश करते हैं फ्रॉयड ने एक व्यक्ति की अधिकांश सहज ऊर्जा को यौन और बाकी को आक्रामक माना आईडी नैतिक मूल्यों समाज या अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं करता है अहंकार यह आईडी से बढ़ता है और वास्तविकता के अनुसार व्यक्ति की सहज आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है यह वास्तविकता सिद्धांत द्वारा काम करता है और अक्सर आईडी को व्यवहार के अधिक उपयुक्त तरीकों की ओर निर्देशित करता है उदाहरण के लिए एक लड़के की आईडी जिसे आइसक्रीम कौन चाहिए उसे कौन पकड़ने और खाने के लिए खाता है उसका अहंकार उसे बताता है कि यदि वह बिना पूछे शंकु को पकड़ लेता है तो उसे दंडित किया जा सकता है वास्तविकता सिद्धांत पर काम करते हुए लड़का जानता है कि संतुष्टि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका शंकु खाने की अनुमति मांगना है इस प्रकार जबकि आईडी मांग कर रहा है अवास्तविक है और आनंद सिद्धांत के अनुसार काम करता है अहंकार धैर्यवान उचित और वास्तविकता सिद्धांत द्वारा काम करता है सुपरेगो सुपरेगो को चित्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे मानसिक कार्यप्रणाली की नैतिक शाखा के रूप में माना जाए सुपरेगो आईडी और अहंकार को बताता है कि क्या किसी विशेष उदाहरण में संतुष्टि नैतिक है यह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से माता पिता के अधिकार को आत्मसात करके आईडी को नियंत्रित करने में मदद करता है उदाहरण के लिए यदि कोई लड़का एक आइसक्रीम कोन देखता है और अपनी मां से इसके लिए पूछता है तो उसका प्रतिहंकार यह संकेत देगा कि उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही है आइसक्रीम प्राप्त करने के प्रति यह दृष्टिकोण लड़के में अपराध बोध भय या चिंता पैदा नहीं करेगा इस प्रकार व्यक्तिगत कामकाज के संदर्भ में फ्रॉइड ने अचेतन को तीन प्रतिस्पर्धी बलों से बना माना कुछ लोगों में इदम प्रतिहंकार से अधिक प्रबल होता है दूसरों में यह प्रति अहंकार है आईडी अहंकार और प्रति अहंकार की सापेक्ष शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिरता को निर्धारित करती है फ्रॉड ने यह भी माना की आईडी दो सहज शक्तियों से सक्रिय है जिन्हें जीवन वृत्ति और मृत्यु वृत्ति कहा जाता है उन्होंने मृत्यु वृत्ति पर कम ध्यान दिया और जीवन या यौन वृत्ति पर अधिक ध्यान दिया आईडी को सक्रिय करने वाली सहज जीवन शक्ति को कामेच्छा कहा जाता है यह आनंद सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है अहम रक्षा तंत्र फ्रॉड के अनुसार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग चिंता से निपटने या उससे बचने के प्रयास को दर्शाता है इस प्रकार अहंकार चिंता से कैसे निपटता है ये काफी हद तक निर्धारित करता है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं फ्रॉइड का मानना था कि लोग मुख्य रूप से रक्षा तंत्र विकसित करके चिंता से बचते हैं जो सहज जरूरतों की जागरूकता के खिलाफ अहंकार की रक्षा करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार रक्षा तंत्र वास्तविकता को विकृत कर चिंता को कम करने का एक तरीका है हालांकि चिंता के खिलाफ कुछ बचाव सामान्य और अनुकूली है जो लोग इन तंत्रों का इस हद तक उपयोग करते हैं कि वास्तविकता वास्तव में विकृत हो जाती है वे कुसमाायोजन के विभिन्न रूपों को विकसित करते हैं फ्रॉइड ने विभिन्न प्रकार के रक्षा तंत्रों का वर्णन किया है सबसे महत्वपूर्ण दमन है जिसमें चिंता उत्तेजक व्यवहार या विचार अचेतन द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिए जाते हैं जब लोग किसी भावना या इच्छा का दमन करते हैं तो वे उस इच्छा या इच्छा से पूरी तरह अनजान हो जाते हैं इस प्रकार जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया तो कुछ दमित भावना या इच्छा स्वयं को व्यक्त कर रही है अन्य प्रमुख रक्षा तंत्र प्रक्षेपण इनकार प्रतिक्रिया निर्माण और युक्तिकरण है प्रक्षेपण में लोग अपने स्वयं के गुणों को दूसरों के लिए श्रेय देते हैं इस प्रकार एक व्यक्ति जिसकी तीव्र आक्रामक प्रवृत्ति होती है अन्य लोगों को उसके प्रति अत्यधिक आक्रामक तरीके से कार्य करते हुए देख सकता है इनकार में एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है इस प्रकार एचआईवी एड से पीड़ित कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से पूरी तरह इनकार कर सकता है प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं के विपरीत व्यवहारों को अपनाकर चिंता से बचाव करता है तीव्र तीव्राग्रह वाला व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा को धार्मिक उत्साह में प्रवाहित करता है प्रतिक्रिया निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है युक्तिकरण में एक व्यक्ति अनुचित भावनाओं या व्यवहार को उचित और स्वीकार्य बनाने की कोशिश करता है उदाहरण के लिए जब कोई छात्र किसी परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद नए पेन का सेट खरीदता है तो वह अपने व्यवहार को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर सकता है ये कहते हुए कि मैं इन पेनों के साथ बहुत बेहतर करूंगा जो लोग रक्षा तंत्र का उपयोग करते हैं वे अक्सर ऐसा करने से अनजान होते हैं चिंता से उत्पन्न असहज भावनाओं से निपटने के लिए अहंकार के लिए प्रत्येक रक्षा तंत्र एक तरीका है हालांकि रक्षा तंत्र की भूमिका के बारे में फ्रॉड के विचारों पर सवाल उठाए गए हैं उदाहरण के लिए उनका दावा है कि प्रक्षेपण चिंता को कम करता है और तनाव को कई अध्ययनों में समर्थन नहीं मिला है व्यक्तित्व विकास के चरण फ्रॉइड का दावा है कि व्यक्तित्व के मूल पहलू जल्दी स्थापित हो जाते हैं जीवन भर स्थिर रहते हैं और बड़ी मुश्किल से ही इन्हें बदला जा सकता है उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के पांच चरणों के सिद्धांत जिसे साइकोसेक्सुअल भी कहा जाता है का प्रस्ताव रखा किसी भी स्तर पर आने वाली समस्याएं विकास को रोक सकती हैं और किसी व्यक्ति के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं इन चरणों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है ओरल स्टेज एक नवजात शिशु की वृत्ति मुंह पर केंद्रित होती है यह शिशु का प्राथमिक आनंद चाहने वाला केंद्र है यह मुंह के माध्यम से है कि बच्चा भोजन प्राप्त करता है जो भूख को कम करता है धूम पिलाने अंगूठा चूसने काटने और बड़बड़ाने से शिशु मौखिक संतुष्टि प्राप्त करता है इन शुरुआती महीनों के दौरान दुनिया के बारे में लोगों की बुनियादी भावनाएं स्थापित होती हैं इस प्रकार फ्रॉयड के लिए एक वयस जो दुनिया को एक कड़वी जगह मानता है को शायद विकास के मौखिक चरण के दौरान कठिनाई होती है खुदा अवस्था यह पाया गया है कि लगभग दो और तीन वर्ष की आयु में बच्चा समाज के कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है माता पिता द्वारा की गई प्रमुख मांगों में से एक यह है कि बच्चा पेशाब और स्वच्छ शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करना सीखता है इस उम्र में अधिकांश बच्चे अपने मल त्यागने में आनंद का अनुभव करते हैं शरीर का गुदा क्षेत्र कुछ सुखद भावनाओं का केंद्र बन जाता है यह चरण आईडी और अहंकार के बीच और बचकानी खुशी की इच्छा और वयस नियंत्रित व्यवहार की मान के बीच संघर्ष का आधार स्थापित करता है लैंगिक अवस्था यह अवस्था जन्नांगों पर केंद्रित होती है लगभग चार और पांच साल की उम्र में बच्चों को पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर का एहसास होने लगता है वे कामुकता और अपने माता पिता के बीच यौन संबंधों के बारे में जागरूक हो जाते हैं इस अवस्था के दौरान लड़का ओडिपस कॉम्प्लेक्स का अनुभव करता है जिसमें मां के लिए प्यार पिता के प्रति शत्रुता और परिणाम स्वरूप पिता द्वारा सजा या बदियाकरण का दर शामिल होता है ओडिपस एक ग्रीक राजा था जिसने अनजाने में अपने पिता को मार डाला और फिर उससे शादी कर ली मां इस चरण की एक प्रमुख विकासात्मक उपलब्धि ओडिपस परिसर का संकल्प है यह अपने पिता के अपनी माँ के साथ संबंध को स्वीकार करने और अपने पिता के बाद अपने व्यवहार को अपनाने से होता है लड़कियों के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा के बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है एक ग्रीक चरित्र जिसने अपने भाई को अपनी माँ को मारने के लिए प्रेरित किया थोड़ा अलग पाठ्यक्रम का पालन करता है अपने प्यार को पिता से जोड़कर एक लड़की प्रतीकात्मक रूप से उससे शादी करने और परिवार बढ़ाने की कोशिश करती है जब उसे पता चलता है कि यह संभव नहीं है तो वह अपनी मां के साथ पहचान करना शुरू कर देती है और अपने पिता के स्नेह को पाने या साझा करने के साधन के रूप में अपने व्यवहार की नकल करती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स को हल करने में महत्वपूर्ण घटक एक ही लिंग के माता पिता के साथ पहचान का विकास है दूसरे शब्दों में लड़के अपनी माताओं के लिए यौन भावनाओं को छोड़ देते हैं और अपने पिता को प्रतिद्वंदियों के बजाय रोल मॉडल के रूप में देखने लगते हैं लड़कियां अपने पिता के लिए अपनी यौन इच्छाओं को छोड़ देती हैं और अपनी माँ के साथ पहचान करती हैं प्रसुप्ति अवस्था यह अवस्था लगभग सात साल से युवावस्था तक रहती है इस अवधि के दौरान बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ता रहता है लेकिन यौनाग्रह अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है बच्चे की अधिकांश ऊर्जा सामाजिक या उपलब्धि संबंधी गतिविधियों में लगा दी जाती है जनन अवस्था इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है प्रारंभिक चरणों की कामुकता भय और दमित भावनाओं को एक बार फिर प्रदर्शित किया गया है तो सामाजिक और लैंगिक रूप से परिपक्व तरीके से विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं हालांकि यदि इस चरण की यात्रा अत्यधिक तनाव या अतिभोग द्वारा चिन्हित है तो यह विकास के पहले चरण में निर्धारण का कारण बन सकता है फ्रॉइड का सिद्धांत यह भी मानता है कि जैसे जैसे बच्चे विकास के एक चरण से दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं वे दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने लगते हैं एक बच्चे के किसी अवस्था से सफलतापूर्वक गुजरने में असफल होने पर वह उस अवस्था में स्थिर हो जाता है ऐसी स्थिति में बच्चे का विकास प्रारंभिक अवस्था में ही रुक जाता है उदाहरण के लिए एक बच्चा जो लैंगिक अवस्था से सफलतापूर्वक नहीं गुजरता है ओडिपल कॉम्प्लेक्स को हल करने में विफल रहता है और फिर भी समान लिंग के माता पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण महसूस कर सकता है इस विफलता के बच्चे के जीवन के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं ऐसा लड़का सोच सकता है कि पुरुष आमतौर पर शत्रुतापूर्ण होते हैं और एक भरोसेमंद रिश्ते में महिलाओं से संबंधित होना चाह सकते हैं प्रतिगमन भी ऐसी स्थितियों में एक संभावित परिणाम है ये एक व्यक्ति को पहले के चरण में वापस ले जाता है प्रतिगमन तब होता है जब किसी व्यक्ति के विकास के किसी भी स्तर पर समस्याओं का समाधान पर्याप्त से कम होता है इस स्थिति में लोग विकास की कम परिपक्व अवस्था के विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं फ्रॉड के बाद के दृष्टिकोण कई सिद्धांतकारों ने फ्रॉयड के बाद अपने विचारों को और विकसित किया कुछ ने उसके साथ काम किया था और फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अपने संस्करण विकसित करने के लिए आगे बढ़े फ्रॉड के काम से अपने काम को अलग करने के लिए इन सिद्धांतकारों को नव विश्लेषात्मक या फ्रॉडियन के बाद कहा गया है इन सिद्धांतों को आईडी की यौन और आक्रामक प्रवृत्तियों और अहंकार की अवधारणा के विस्तार के लिए कम प्रमुख भूमिकाओं की विशेषता है रचनात्मकता क्षमता और समस्या समाधान क्षमताओं के मानवीय गुणों पर जोर दिया जाता है इनमें से कुछ सिद्धांतों का संक्षेप में यहां वर्णन किया गया है जंग उद्देश्य और आकांक्षाएं जंग ने अपने करियर के शुरुआती दौर में फ्रॉड के साथ काम किया लेकिन बाद में वह फ्रॉड से अलग हो गए जन्म ने देखा कि मनुष्य लक्ष्य और आकांक्षाओं से उतना ही निर्देशित होता है जितना कि सेक्स और आक्रामकता से उन्होंने व्यक्तित्व का अपना सिद्धांत विकसित किया जिसे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है उनके सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि व्यक्तित्व में व्यक्ति और समाज की मांगों के बीच या व्यक्ति और वास्तविकता के बीच प्रतिस्पर्धा करने वाली ताकतें और संरचनाएं होती हैं जो संतुलित होनी चाहिए जन्म ने दावा किया कि एक सामूहिक अचेतन था जिसमें आर्किटिक्स या आदिम चित्र शामिल थे ये व्यक्तिगत रूप से अधिग्रहित नहीं होते हैं बल्कि विरासत में मिलते हैं ईश्वर या धरती माता आदरूपों का एक अच्छा उदाहरण है वे सभी मानव जाति के मिथकों सपनों और कलाओं में पाए जाते हैं जन्म ने माना कि स्वयं एकता और एकता के लिए प्रयास करता है यह एक मूल रूप है जो कई रूपों में अभिव्यक्त होता है उन्होंने विभिन्न परंपराओं में इस तरह के भावों के अध्ययन के लिए अपना अधिकांश प्रयास समर्पित किया उनके अनुसार एकता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतन में उपलब्ध ज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होना चाहिए और इसके साथ सद्भाव में रहना सीखना चाहिए करेन हॉनी आशावाद हॉन फ्रॉड का एक और शिष्य था जिसने एक विकसित किया सिद्धांत जो बुनियादी फ्रॉडलीन सिद्धांतों से विचलित हो गया उन्होंने मानव विकास और आत्मावास्तविकता पर जोर देने के साथ मानव जीवन के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया फॉनी का प्रमुख योगदान फ्रॉड द्वारा महिलाओं को हीन मानने की चुनौती में निहित है उनके अनुसार प्रत्येक लिंग में दूसरे द्वारा प्रशंसा किए जाने के गुण होते हैं और न तो लिंग को श्रेष्ठ या हीन के रूप में देखा जा सकता है उन्होंने प्रतिवाद किया कि महिलाएं जैविक कारकों की तुलना में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होने की अधिक संभावना थी उन्होंने तर्क दिया कि बचपन के दौरान बिगड़े हुए पारस्परिक संबंधों के कारण मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं जब एक बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार उदासीन हतोत्साहित करने वाला और अनिश्चित होता है तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है और एक भावना जिसे बुनियादी चिंता कहा जाता है इस चिंता के कारण माता पिता के प्रति गहरा आक्रोश या बुनियादी शत्रुता उत्पन्न होती है अत्यधिक प्रभुत्व या उदासीनता दिखाकर या बहुत अधिक या बहुत कम अनुमोदन प्रदान करके माता पिता बच्चों में अलगाव और लाचारी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं जो उनके स्वस्थ विकास में बाधा डालते हैं अल्फ्रेड एडलर जीवन शैली और सामाजिक हित एडलर के सिद्धांत को व्यक्तिगत मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है उनकी मूल धारणा यह है कि मानव व्यवहार उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है हम में से प्रत्येक के पास चुनने और बनाने की क्षमता है हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं वे लक्ष्य जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपर्याप्तता की भावनाओं पर काबू पाने में हमारी सहायता करते हैं हमारे व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है इटलर के विचार में प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्तता और अपराध बोध की भावनाओं से ग्रस्त है अर्थात हीन भावना जो बचपन से उत्पन्न होती है इष्टतम व्यक्तित्व विकास के लिए इस जटिल पर काबू पाना आवश्यक है एरिक फ्रॉम द ह्यूमन कंसर्न फ्रॉम फ्रॉड के जैविक अभिविन्यास के विपरीत फ्रॉम ने अपने सिद्धांत को एक सामाजिक अभिविन्यास से विकसित किया उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जिसे दूसरों के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में समझा जा सकता है उन्होंने तर्क दिया कि विकास और क्षमता की प्राप्ति जैसे मनोवैज्ञानिक गुण स्वतंत्रता की इच्छा और न्याय और सच्चाई के लिए प्रयास करने के परिणाम स्वरूप हुए फ्रॉम का मानना है कि चरित्र लक्षण व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों के साथ हमारे अनुभवों से विकसित होते हैं जबकि संस्कृति किसी दिए गए समाज के अस्तित्व के तरीके से आकार लेती है किसी दिए गए समाज में लोगों के प्रमुख चरित्र गुण सामाजिक प्रक्रियाओं और स्वयं संस्कृति को आकार देने में बलों के रूप में काम करते हैं उनका काम व्यक्तित्व विकास में कोमलता और प्रेम जैसे सकारात्मक गुणों के मूल्य को पहचानता है एरिक एरिक्सन पहचान की खोज एरिक्सन का सिद्धांत व्यक्तित्व विकास में तर्कसंगत सचेत अहंकार प्रक्रियाओं पर जोर देता है उनके सिद्धांत में विकास को एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और अहंकार की पहचान को इस प्रक्रिया में एक केंद्रीय स्थान दिया जाता है किशोरावस्था की पहचान के संकट की उनकी अवधारणा ने काफी ध्यान आकर्षित किया है एरिक्सन का तर्क है कि युवा लोगों को अपने लिए एक केंद्रीय परिप्रेक्ष्य और एक दिशा उत्पन्न करनी चाहिए जो उन्हें एकता और उद्देश्य की सार्थक भावना दे सके मनोगति के सिद्धांतों को कई हलकों से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं वन सिद्धांत काफी हद तक के स्टडी पर आधारित है उनके पास कठोर वैज्ञानिक आधार का अभाव है टू वे समानीकरण को आगे बढ़ाने के लिए नमूने के रूप में छोटे और असामान्य व्यक्तियों का उपयोग करते हैं थ्री अवधारणाओं को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है और उन्हें वैज्ञानिक परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना कठिन है फोर्ड ने पुरुषों को सभी मानव व्यक्तित्व विकास के प्रोटोटाइप के रूप में उपयोग किया है उन्होंने महिला अनुभवों और दृष्टिकोणों की अनदेखी की व्यवहारिक दृष्टिकोण यह दृष्टिकोण व्यवहार की आंतरिक गतिशीलता को महत्व नहीं देता है व्यवहारवादी डेटा में विश्वास करते हैं जो उन्हें लगता है कि निश्चित अवलोकन योग्य और मापने योग्य हैं। इस प्रकार वे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधों और उनके शुद्धरण को सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके अनुसार व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है वे विकास को केवल प्रतिक्रिया विशेषताओं में बदलाव के रूप में देखते हैं यानी एक व्यक्ति नए वातावरण और उत्तेजनाओं के जवाब में नए व्यवहार सीखता है अधिकांश व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई प्रतिक्रिया है प्रत्येक प्रतिक्रिया एक व्यवहार है जो एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्सजित होती है जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भूख के कारण खाते हैं लेकिन हम खाने के मामले में भी बहुत चूचि होते हैं उदाहरण के लिए बच्चे बहुत सी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते जैसे पालक कद्दू लौकी आदि लेकिन धीरे धीरे वे उन्हें खाना सीख जाते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे शुरू में अपने माता पिता से प्रशंसा सुदृढ़ीकरण की प्रत्याशा में ऐसी सब्जियां खाना सीख सकते हैं बाद में वे न केवल इसलिए सब्जियां खाना सीख सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता इस व्यवहार से खुश हैं बल्कि इसलिए भी कि वे उन सब्जियों का स्वाद लेते हैं और उन्हें अच्छा पाते हैं इस प्रकार मूल प्रवृत्ति जो व्यवहार को व्यवस्थित करती है वह जैविक या सामाजिक आवश्यकताओं की कमी है जो व्यवहार को सक्रिय करती है यह उन प्रतिक्रियाओं व्यवहारों के माध्यम से पूरा किया जाता है जिन्हें प्रबलित किया जाता है कक्षा इलेवन में अपने अध्ययन से आपको याद होगा कि सीखने के कई अलग अलग सिद्धांत हैं जिनमें विभिन्न तरीकों से उत्तेजनाओं प्रतिक्रियाओं और शुद्धिकरण का उपयोग शामिल है क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंडुरा के सिद्धांत आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सिद्धांत सीखने और व्यवहार के रखरखाव को विभिन्न कोणों से देखते हैं व्यक्तित्व सिद्धांतों के विकास में इन सिद्धांतों के सिद्धांतों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए अवलोकन संबंधी सीखने का सिद्धांत विचार प्रक्रियाओं को सीखने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है लेकिन ये शास्त्रीय या वाद्य कंडीशनिंग सिद्धांतों में लगभग कोई स्थान नहीं पाते हैं अवलोकन संबंधी सीखने का सिद्धांत भी सामाजिक शिक्षा दूसरों के अवलोकन और नकल के आधार पर और आत्मनियमन पर जोर देता है जो फिर से अन्य सिद्धांतों में छूट जाता है अपने व्यवहार की विशेषताओं और अपने उन दोस्तों को नोट करें जो लोकप्रिय युवा आयकन से आत्मसात किए गए हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के संबंध में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है ये प्रस्तावित करता है कि एक समूह की आर्थिक रखरखाव प्रणाली सांस्कृतिक और व्यवहारिक विविधताओं के मूल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जलवायु परिस्थितियां आवास के इलाके की प्रकृति और उसमें भोजन वनस्पति और जीव की उपलब्धता न केवल लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है बल्कि उनके आवास के पैटर्न सामाजिक संरचना श्रम विभाजन और अन्य विशेषताओं जैसे कि बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं को भी निर्धारित करती है इन तत्वों को एक साथ लेकर एक बच्चे के समग्र सीखने के माहौल का निर्माण होता है लोगों के कौशल क्षमताएं व्यवहारशैली और मूल्य प्राथमिकताओं को इन विशेषताओं से दृढ़ता से जुड़े हुए के रूप में देखा जाता है अनुष्ठान समारोह धार्मिक अभ्यास कला मनोरंजक गतिविधियां खेल और खेल ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से लोगों के व्यक्तित्व को एक संस्कृति में प्रक्षेपित किया जाता है समूह के जीवन की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकूल होने के प्रयास में लोग विभिन्न व्यक्तित्व व्यवहारिक गुणों का विकास करते हैं इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व को उनकी पारिस्थिती और संस्कृति की मांगों के लिए व्यक्तियों या समूहों के अनुकूलन के रूप में मानता है आइए इन पहलुओं को एक ठोस उदाहरण से समझने का प्रयास करें जैसा कि आप जानते हैं विश्व की जनसंख्या का एक अच्छा भाग आज भी वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है और शिकार और संग्रहण आर्थिक गतिविधियां उनकी आजीविका का प्राथमिक साधन है झारखंड का बिरहोर एक आदिवासी समूह ऐसी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है उनमें से अधिकांश एक खानाबदोश जीवन जीते हैं जिसके लिए खेलों और अन्य वन उत्पादों जैसे फल जड़े मशरूम शहद आदि की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में छोटे बैंड में निरंतर आवाजाही की आवश्यकता होती है बिरहोर समाज में कम उम्र के बच्चों को जंगलों में जाने और शिकार करने और इकट्ठा करने के कौशल सीखने की अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाती है उनके बाद समाजीकरण प्रथाओं का उद्देश्य बच्चों को कम उम्र से ही स्वतंत्र बड़ों की मदद के बिना कई काम करना स्वायत्त स्वयं के लिए कई निर्णय लेना और उपलब्धि उन्मुख जोखिम और चुनौतियों को स्वीकार करना जैसे शिकार में शामिल बनाना है जीवन की कृषि समाजों में बच्चों को बड़ों के प्रति आज्ञाकारी छोटों के पालन पोषण करने वाले और अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए समाजीकृत किया जाता है चूंकि ये व्यवहार गुण कृषि समाजों में लोगों को अधिक कार्यात्मक बनाते हैं वे स्वतंत्रता स्वायत्ता और उपलब्धि के विपरीत लोगों के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं बन जाते हैं जो शिकार संग्रह समाजों में अधिक कार्यात्मक और इस प्रकार अत्यधिक मूल्यवान है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक मांगों के कारण शिकार सभा और कृषि समाजों में बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व पैटर्न विकसित और प्रदर्शित करते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण मानवतावादी सिद्धांत मुख्य रूप से फ्रॉड के सिद्धांत के जवाब में विकसित हुए हैं काल रोजर्स और अब्राहम मासलो ने व्यक्तित्व पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया है हम संक्षेप में उनके सिद्धांतों की जांच करेंगे रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण विचार पूरी तरह से कार्यशील व्यक्ति का है उनका मानना है कि पूर्णता व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरक शक्ति है लोग अपनी क्षमताओं क्षमता और प्रतिभा को यथासंभव पूर्ण रूप से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं व्यक्तियों में एक जनजात प्रवृत्ति होती है जो उन्हें विरासत में मिली प्रकृति को साकार करने के लिए निर्देशित करती है ट्रोजस मानव व्यवहार के बारे में दो बुनियादी धारणाएं बनाते हैं एक यह है कि व्यवहार लक्ष्य निर्देशित और सार्थक है दूसरा यह है कि लोग जो स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं लगभग हमेशा अनुकूली आत्मा वास्तविक व्यवहार का चयन करेंगे ट्रोजस का सिद्धांत उनके क्लिनिक में रोगियों को सुनने के उनके अनुभवों से विकसित हुआ उन्होंने कहा कि स्वयं अपने ग्राहकों के अनुभव में एक महत्वपूर्ण तत्व था इस प्रकार उनका सिद्धांत स्वयं की अवधारणा के आसपास संरचित है सिद्धांत मानता है कि लोग लगातार अपने वास्तविक स्व को समझने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं रोजस सुझाव देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श स्व की अवधारणा भी होती है एक आदर्शव व स्व है जो एक व्यक्ति बनना चाहेगा जब वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा के बीच एक पत्राचार होता है तो एक व्यक्ति आमतौर पर खुश होता है वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच विसंगति का परिणाम अक्सर अप्रसन्नता और असंतोष होता है रोजर्स का मूल सिद्धांत यह है कि लोगों में आत्मबोध के माध्यम से अवधारणा को अधिकतम करने की प्रवृत्ति होती है इस प्रक्रिया में स्वयं बढ़ता है फैलता है और अधिक सामाजिक हो जाता है व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं इसमें स्वयं का मूल्यांकन करना सीखना और आत्मबोध की प्रक्रिया में महारत हासिल करना शामिल है वह आत्म अवधारणा के विकास में सामाजिक प्रभावों की भूमिका को पहचानता है जब सामाजिक परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं तो आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान उच्च होता है इसके विपरीत जब स्थितियां नकारात्मक होती हैं तो आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान कम होता है उच्च आत्म संकल्पना और आत्मसम्मान वाले लोग आमतौर पर लचीले होते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं ताकि वे विकास और वास्तविकता जारी रख सकें ये स्थिति वारंट करती है कि लोगों की अवधारणा में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बिना शर्त सकारात्मक सम्मान का माहौल बनाया जाना चाहिए रोजर्स द्वारा विकसित क्लाइंट केंद्रित थेरेपी मूल रूप से इस स्थिति को बनाने का प्रयास करती है कक्षा इलेवन में प्रेरणा के अपने अध्ययन से मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं मास्लो ने मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ लोगों का आत्मा वास्तविकता की प्राप्ति के संदर्भ में एक विस्तृत विवरण दिया है एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं मासलो का मनुष्य के प्रति आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण था जिसमें प्रेम आनंद और रचनात्मक कार्य करने की क्षमता है मनुष्य को अपने जीवन को आकार देने और आत्म साक्षात्कार करने के लिए स्वतंत्र माना जाता है हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली प्रेरणाओं का विश्लेषण करके आत्मा बहुत संभव हो जाता है हम जानते हैं कि जैविक सुरक्षा और अपनेपन की जरूरतें जिन्हें जीवित रहने की जरूरतें कहा जाता है आमतौर पर जानवरों और मनुष्यों में पाई जाती है इस प्रकार इन जरूरतों की संतुष्टि के साथ एक व्यक्ति की एकमात्र चिंता उसे जानवरों के स्तर तक कम कर देती है मानव जीवन की वास्तविक यात्रा आत्मसम्मान और आत्मा वास्तविकता की आवश्यकताओं की खोज से शुरू होती है मानवतावादी दृष्टिकोण जीवन के सकारात्मक पहलुओं के महत्व पर जोर देता है स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है मानवतावादी सिद्धांतकारों ने संकेत दिया है कि स्वस्थ व्यक्तित्व केवल समाज के साथ समायोजन में नित है इसमें स्वयं को गहराई से जानने की खोज शामिल है और बिना छदमेश के अपनी स्वयं की भावनाओं के प्रति सच्चा होना है और स्वयं को यहां और अभी में होना है उनके अनुसार स्वस्थ लोगों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं वन वे स्वयं अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं स्वयं को स्वीकार करें और वे अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी के रूप में क्या बनाते हैं होने का साहस रखें टू वे यहां और अभी का अनुभव करते हैं फंसे नहीं है थ्री वे भूतकाल में नहीं जीते हैं या चिंतित उम्मीदों और विकृत सुरक्षा के माध्यम से भविष्य में रहते हैं व्यक्तित्व का आकलन लोगों को जानना समझना और उनका वर्णन करना एक ऐसा कार्य है जिसमें हर कोई दिन प्रतिदिन के जीवन में शामिल होता है जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम अक्सर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और यह भी अनुमान लगाते हैं कि हम उनके साथ बातचीत करने से पहले क्या कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने पिछले अनुभवों अवलोकनों वार्तालापों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करते हैं दूसरों को समझने का यह दृष्टिकोण कई का कारकों से प्रभावित हो सकता है जो हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं और निष्पक्षता को कम कर सकते हैं इसलिए हमें व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक औपचारिक रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के उद्देश्य से किए गए औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है मूल्यांकन कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों का मूल्यांकन या अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है मूल्यांकन का लक्ष्य न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम सटीकता के साथ व्यवहार को समझना और भविष्यवाणी करना है आंकलन में हम यह अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि एक दीघ्री स्थिति में एक व्यक्ति आमतौर पर क्या करता है या वह कैसा व्यवहार करता है हमारी समझ को बढ़ावा देने के अलावा मूल्यांकन निदान प्रशिक्षण नियुक्ति परामर्श और अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास किया है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में साइकोमेट्रिक टेस्ट सेल्फ रिपोर्ट उपाय प्रोजेक्टिव तकनीक और व्यवहार विश्लेषण शामिल है ये तकनीकें विभिन्न सैद्धांतिक झुकावों में निहित हैं इसलिए वे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं आपने पिछले अध्याय में साइकोमेट्रिक परीक्षणों के बारे में पढ़ा है हम अन्य तरीकों पर चर्चा करेंगे स्व रिपोर्ट के उपाय ऑलपोर्ट ने सुझाव दिया था कि किसी व्यक्ति का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपने बारे में पूछना है इससे स्व रिपोर्ट उपायों का उपयोग हुआ ये काफी संरचित उपाय हैं जो अक्सर सिद्धांत पर आधारित होते हैं जिनमें किसी प्रकार के रेटिंग पैमाने का उपयोग करके विषयों को मौखिक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है विधि के लिए विषय की आवश्यकता होती है कि वह विभिन्न मदों के संबंध में अपनी भावनाओं को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करे प्रतिक्रियाओं को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है उन्हें मात्रात्मक शब्दों में स्को किया जाता है और परीक्षण के लिए विकसित मानदंडों के आधार पर व्याख्या की जाती है कुछ जाने माने आत्म रिपोर्ट उपायों का संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है पेनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनलिटी इन्वेंट्री एमएमपीआई इस इन्वेंट्री का व्यापक रूप से व्यक्तित्व मूल्यांकन में एक परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है कैथवे और मैकिनले ने इस परीक्षण को मंचचिकित्सीय निदान के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया लेकिन मनोविकृति विज्ञान की किस्मों की पहचान करने में यह परीक्षण बहुत प्रभावी पाया गया है इसका संशोधित संस्करण एमएमपीआई माइनस के रूप में उपलब्ध है इसमें फाइव कथन शामिल है विषय को प्रत्येक कथन को उसके लिए सत्य या असत्य के रूप में आंकना है परीक्षण को टेन उप उपवर्गों में विभाजित किया गया है जो हाइपोकोड्रियास अवसाद हिस्टीरिया मनोरोगी विचलन मर्दानगी स्त्रीत्व स्त्री व्यामो मानसस्ते उन्माद और सामाजिक अंतर्मुखता का निदान करना चाहते हैं भारत में मल्लिक और जोशी ने एमएमपीआई की तर्ज पर जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनलिटी इन्वेंटरी जेएमपीआई विकसित की है इसे व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रश्नावलीपीक्यूसेनिक द्वारा विकसित इस परीक्षण ने शुरू में व्यक्तित्व के दो आयामों का आकलन किया जिन्हें अंतर्मुखी बहिर्मुखी और भावनात्मक रूप से स्थिर भावनात्मक रूप से अस्थिर कहा जाता है इन आयामों की विशेषता थर्टी टू व्यक्तित्व लक्षण है बाद में इसेनिक ने एक तीसरा आयाम जोड़ा जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है ये साइकोपैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है जो दूसरों के लिए भावना की कमी लोगों के साथ बातचीत करने का एक कठिन तरीका और सामाजिक सम्मेलनों को धता बताने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है इस आयाम पर उच्च स्कोर करने वाला व्यक्ति शत्रुतापूर्ण अहंकारी और असामाजिक होता है ये परीक्षण भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है सोलह व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली सिक्सटीन पीएफ ये परीक्षण कैटेल द्वारा विकसित किया गया था अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व वर्णनकर्ताओं के एक बड़े समूह की पहचान की जो बुनियादी व्यक्तित्व संरचना की पहचान करने के लिए कारक विश्लेषण के अधीन थे आप इस सांख्यिकीय तकनीक के बारे में बाद में जानेंगे परीक्षण घोषणात्मक कथन प्रदान करता है और विषय दिए गए विकल्पों के एक सेट से चुनकर एक विशिष्ट स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है परीक्षण का उपयोग हाई स्कूल स्तर के छात्रों के साथ साथ वयस्कों के साथ भी किया जा सकता है यह करियर मार्गदर्शन व्यावसायिक अन्वेषण और व्यावसायिक परीक्षण में अत्यंत उपयोगी पाया गया है स्वर रिपोर्ट तकनीक का उपयोग करने वाले कुछ लोकप्रिय परीक्षणों के अलावा जिनका वर्णन ऊपर किया गया है कई अन्य हैं जो व्यक्तित्व के विशिष्ट आयामों का आकलन करने का प्रयास करते हैं जैसे अधिनायकवाद नियंत्रण का स्थान आशावाद आदि जैसे जैसे आप मनोविज्ञान के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे आप उनके बारे में और अधिक जानेंगे स्वर रिपोर्ट उपाय कई समस्याओं से ग्रस्त है सामाजिक वांछनीयता उनमें से एक है सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से वस्तुओं का समर्थन करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रवृत्ति है स्वीकृति एक और है यह विषय की प्रवृत्ति है कि वह वस्तुओं प्रश्नों से सहमत होता है चाहे उनकी सामग्री कुछ भी हो यह अक्सर वस्तुओं के लिए हाँ कहने के रूप में प्रकट होता है यह प्रवृत्तियां व्यक्तित्व के मूल्यांकन को कम विश्वसनीय बनाती हैं इस स्तर पर सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है याद रखें कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यक्तित्व को समझने के लिए महान कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जब तक आप इन्हें किसी विशेषज्ञ की सावधानी पूर्वक देखरेख में एक इष्टतम स्तर तक हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको अपने उन दोस्तों के व्यक्तित्व का परीक्षण और व्याख्या करने का साहस नहीं करना चाहिए जो मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं प्रक्षेपी तकनीकें अब तक वर्णित व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीकों को प्रत्यक्ष तकनीकों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे सीधे उस व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करते हैं जो स्पष्ट रूप से जानता है कि उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जा रहा है इन स्थितियों में लोग आमतौर पर आत्मा जागरूक हो जाते हैं और अपनी निजी भावनाओं विचारों और प्रेरणाओं को साझा करने में संकोच करते हैं जब वे ऐसा करते हैं तो वे इसे अक्सर सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अचेतन उद्देश्यों से नियंत्रित होता है व्यक्तित्व मूल्यांकन के प्रत्यक्ष तरीके हमारे व्यवहार के अचेतन हिस्से को उजागर नहीं कर सकते इसलिए वे हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की वास्तविक तस्वीर प्रदान करने में विफल रहते हैं मूल्यांकन के अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करके इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है प्रक्षेपी तकनीकें इसी श्रेणी में आती हैं अचेतन उद्देश्यों और भावनाओं का आकलन करने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का विकास किया गया ये तकनीकें इस धारणा पर आधारित हैं कि एक कम संरचित या असंरचित उत्तेजना या स्थिति व्यक्ति को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं इच्छाओं और जरूरतों को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देगी इन अनुमानों की व्याख्या विशेषज्ञों द्वारा की जाती है प्रक्षेपी तकनीकों की एक किस्म विकसित की गई है वे व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन सामग्री और स्थितियों का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ को उत्तेजनाओं के साथ रिपोर्टिंग संघों की आवश्यकता होती है जैसे शब्द इनक इनकब्लॉग्स कुछ में चित्रों के आसपास कहानी लेखन शामिल होता है कुछ को वाक्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है कुछ को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है और कुछ को उत्तेजनाओं के एक बड़े समूह से उत्तेजनाओं के चयन की आवश्यकता होती है जबकि इन तकनीकों में उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं की प्रकृति बहुत भिन्न होती है उनमें से सभी निम्नलिखित विशेषताएं साझा करते हैं वन उत्तेजना अपेक्षाकृत या पूरी तरह से असंरचित और खराब परिभाषित है टू मूल्यांकन किए जा रहे व्यक्ति को आमतौर पर मूल्यांकन के उद्देश्य और स्कोरिंग और व्याख्या की विधि के बारे में नहीं बताया जाता है थ्री व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि कोई सही या गलत प्रतिक्रिया नहीं है फोर्थ प्रत्येक प्रतिक्रिया को व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू को प्रकट करने के लिए माना जाता है फाइव स्कोरिंग और व्याख्या लंबी और कभी कभी व्यक्तिपरक होती है प्रक्षेपी तकनीकी साइकोमेट्रिक परीक्षणों से कई मायनों में भिन्न है उन्हें किसी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से इसको नहीं किया जा सकता है उन्हें आमतौर पर गुणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है जिसके लिए कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ प्रसिद्ध प्रक्षेपी तकनीकों पर संक्षेप में चर्चा की गई है रोरशाक इनकब्लॉट परीक्षण यह परीक्षण हरमन रोरशाक द्वारा विकसित किया गया था परीक्षण में टेन इनकब्लॉट होते हैं उनमें से पांच काले और सफेद रंग में है दो कुछ लाल स्याही के साथ और शेष तीन पेस्टल रंगों में है धब्बे एक विशिष्ट आकार या रूप के साथ डिजाइन में सम्मित होते हैं प्रत्येक धब्बा लगभग सेवन इंच टेन आकार के एक सफेद कार्डबोर्ड के केंद्र में छपा होता है धब्बे मूल रूप से कागज के एक टुकड़े पर स्याही गिराकर और फिर कागज को आधा मोड़कर बनाया गया था इसलिए इसे इनकब्लॉट टेस्ट कहा जाता है कार्डों को दो चरणों में व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाता है पहले चरण में जिसे प्रदर्शन उचित कहा जाता है विषयों को कार्ड दिखाए जाते हैं और उन्हें यह बताने के लिए कहा जाता है कि वे उनमें से प्रत्येक में क्या देखते हैं दूसरे चरण में जिसे पूछताछ कहा जाता है प्रतिक्रिया की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें विषय को यह बताने के लिए कहा जाता है कि कोई विशेष प्रतिक्रिया कहा कैसे और किस आधार पर दी गई थी विषय की प्रतिक्रियाओं को सार्थक संदर्भ में रखने के लिए सूक्ष्म निर्णय आवश्यक है इस परीक्षण के उपयोग और व्याख्या के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है डेटा के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर तकनीक भी विकसित की गई है थीमेटिक एपसेप्शन टेस्ट टैट ये परीक्षण मोगन और मरे द्वारा विकसित किया गया था यह हिमकबला परीक्षण की तुलना में थोड़ा अधिक संरचित है परीक्षण में थर्टी काले और सफेद चित्र कार्ड और एक खाली कार्ड शामिल है प्रत्येक चित्र कार्ड विभिन्न स्थितियों में एक या अधिक लोगों को दर्शाता है प्रत्येक तस्वीर एक कार्ड पर छपी है कुछ कार्ड वयस्क पुरुषों या महिलाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं दूसरों का उपयोग लड़कों या लड़कियों के साथ किया जाता है अभी भी कुछ संयोजनों में अन्य का उपयोग किया जाता है एक विषय के लिए बीस कार्ड उपयुक्त होते हैं हालांकि कार्डों की कम संख्या यहां तक कि पांच का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है कार्ड एक के बाद एक प्रस्तुत किए जाते हैं विषय को चित्र में प्रस्तुत स्थिति का वर्णन करने वाली एक कहानी बताने के लिए कहा जाता है स्थिति के कारण क्या हुआ इस समय क्या हो रहा है भविष्य में क्या होगा और पात्र क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं टीएटी -टी प्रतिक्रियाओं को स्कोर करने के लिए एक मानक प्रक्रिया उपलब्ध है परीक्षण बच्चों और वृद्धों के लिए संशोधित किया गया है उमा चौधरी का टीएटी -टी का भारतीय रूपांतर भी उपलब्ध है परीक्षण कार्टून जैसे चित्रों की मदद से स्थितियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को निराश करता है या निराशाजनक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है विषय को यह बताने के लिए कहा जाता है कि दूसरा निराश व्यक्ति क्या कहेगा या करेगा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार और दिशा पर आधारित है यह जांचने का प्रयास किया जाता है कि क्या फोकस निराशाजनक वस्तु पर है या निराश व्यक्ति की सुरक्षा पर या समस्या के रचनात्मक समाधान पर आक्रामकता की दिशा पर्यावरण के प्रति स्वयं के प्रति हो सकती है या स्थिति को छिपाने या उससे बचने के प्रयास में इसे बंद कर दिया जा सकता है पारीख ने इस परीक्षण को भारतीय आबादी के साथ उपयोग करने के लिए अनुकूलित किया है वाक्य पूर्णता परीक्षण यह परीक्षण कई अधूरे वाक्यों का उपयोग करता है वाक्य का प्रारंभिक भाग पहले प्रस्तुत किया जाता है और विषय को वाक्य को समाप्त करना होता है यह माना जाता है कि विषयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंत के प्रकार उनके दृष्टिकोण प्रेरणा और संघर्ष को दर्शाते हैं परीक्षण विषयों को उनके अंतर्निहित चेतन प्रेरणाओं को प्रकट करने के कई अवसर प्रदान करता है वाक्य पूर्णता परीक्षण के कुछ नमूना अंश नीचे दिए गए हैं वन मेरे पिता टू मेरा सबसे बड़ा डर है थ्री मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात है फोर मुझे गर्व है ड्रॉ पसंद टेस्ट लिया एक सरल परीक्षण है जिसमें विषय को कागज के एक शीट पर एक व्यक्ति को चित्रित करने के लिए कहा जाता है ड्राइंग की सुविधा के लिए एक पेंसिल और इरेजर प्रदान किया जाता है ड्राइंग के पूरा होने के बाद विषय को आमतौर पर विपरीत लिंग के व्यक्ति की आकृति बनाने के लिए कहा जाता है अंत में विषय को व्यक्ति के बारे में एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है जैसे कि वह किसी उपन्यास या नाटक में एक पात्र था व्याख्याओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं वन चेहरे की विशेषताओं की कमी से पता चलता है कि व्यक्ति एक अत्यधिक संघर्षग्रस्त पारस्परिक संबंध से बचने की कोशिश करता है टू गर्दन पर ग्राफिक जोर देने से आवेगों पर नियंत्रण की कमी का पता चलता है थ्री असमान रूप से बड़ा सिर काबनिक मस्तिष्क रोग और सिरदर्द के साथ व्यस्तता का सुझाव देता है प्रक्षेपी तकनीकों की सहायता से व्यक्तित्व का विश्लेषण काफी रोचक प्रतीत होता है ये हमें किसी व्यक्ति के अचेतन उद्देश्यों गहरे संघर्षों और भावनात्मक जटिलताओं को समझने में मदद करता है हालांकि प्रतिक्रियाओं की व्याख्या के लिए परिष्कृत कौशल और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है स्कोरिंग की विश्वसनीयता और व्याख्याओं की वैधता से जुड़ी समस्याएं हैं लेकिन चिकित्सकों ने इन तकनीकों को काफी उपयोगी पाया है व्यवहार विश्लेषण विभिन्न प्रकार की स्थितियों में एक व्यक्ति का व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान कर सकता है व्यवहार का अवलोकन व्यवहार विश्लेषण के आधार के रूप में कार्य करता है एक पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में साक्षात्कार अवलोकन रेटिंग नामांकन और स्थितिजन्य परीक्षणों से प्राप्त डेटा शामिल हो सकते हैं हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं की कुछ विस्तार से जांच करेंगे साक्षात्कार साक्षात्कार व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है इसमें मूल्यांकन किए जा रहे व्यक्ति से बात करना और विशिष्ट प्रश्न पूछना शामिल है नैदानिक साक्षात्कार में आमतौर पर गहन साक्षात्कार शामिल होता है जो व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों से परे जाना चाहता है मूल्यांकन के उद्देश्य या लक्ष्यों के आधार पर साक्षात्कार संरचित या असंरचित हो सकते हैं असुरिचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता कई प्रश्न पूछकर किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा विकसित करना चाहता है जिस तरह से एक व्यक्ति खुद को प्रस्तुत करता है और सवालों का जवाब देता है उसमें उसके व्यक्तित्व को प्रकट करने की पर्याप्त क्षमता होती है संरचित साक्षात्कार बहुत विशिष्ट प्रश्नों को संबोधित करते हैं और एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं यह अक्सर साक्षात्कार किए जा रहे व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ तुलना करने के लिए किया जाता है ट्रेटिंग पैमानों का उपयोग मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता को और बढ़ा सकता है अवलोकन व्यवहारिक अवलोकन एक अन्य विधि है जो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है यद्यपि हम सभी लोगों को देखते हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाते हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए अवलोकन का उपयोग एक परिष्कृत प्रक्रिया है जिसे अप्रशिक्षित लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है किसी दिए गए व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए पर्यवेक्षक के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण और व्यवहार के विश्लेषण के बारे में काफी विस्तृत दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक परिवार के सदस्यों और घर पर आने वालों के साथ अपने सेवाथी की बातचीत का निरीक्षण करना पसंद कर सकता है सावधानी से डिजाइन किए गए अवलोकन के साथ नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लाइंट के व्यक्तित्व में काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है उनके लगातार और व्यापक उपयोग के बावजूद अवलोकन और साक्षात्कार विधियों की निम्नलिखित सीमाएं हैं इन विधियों के 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 माध्यम से उपयोगी डेटा संग्रह लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण काफी मांग और समय लेने वाला है टू इन तकनीकों के माध्यम से वैध डेटा प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक की परिपक्वता एक पूर्व शर्त है पर्यवेक्षक की मात्र उपस्थिति परिणामों को दूषित कर सकती है एक अजम्बी के रूप में प्रेक्षक देखे जा रहे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार अच्छे डेटा प्राप्त नहीं कर सकता है व्यवहारिक रेटिंग शैक्षिकी और औद्योगिक सेटिंग्स में व्यक्तित्व के आकलन के लिए अक्सर व्यवहारिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है व्यवहारिक रेटिंग आमतौर पर उन लोगों से ली जाती है जो निर्धारिती को घनिष्ठ रूप से जानते हैं और एक समय अवधि में उसके साथ बातचीत की है या उसे देखने का मौका मिला है वे व्यक्तियों को उनके व्यवहार गुणों के संदर्भ में कुछ श्रेणियों में रखने का प्रयास करते हैं श्रेणियों में विभिन्न संख्याएं या वर्णात्मक शब्द शामिल हो सकते हैं यह पाया गया है कि रेटिंग पैमानों में संख्याओं या सामान्य वर्णात्मक विशेषणों का उपयोग हमेशा रेटर के लिए भ्रम पैदा करता है रेटिंग्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लक्षणों को ध्यान से बताए गए व्यवहारिक एंकरों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ट्रेटिंग की विधि निम्नलिखित प्रमुख सीमाओं से ग्रस्त है वन रेटर्स अक्सर कुछ पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं जो विभिन्न लक्षणों के उनके निर्णयों को रंग देते हैं उदाहरण के लिए हम में से अधिकांश लोग किसी एक अनुकूल या प्रतिकूल विशेषता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं यह अक्सर किसी व्यक्ति के रेटर के समग्र निर्णय का आधार बनता है इस प्रवृत्ति को प्रभामंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है टू रेटर्स में व्यक्तियों को या तो पैमाने के मध्य में रखने की प्रवृत्ति होती है जिसे मध्य श्रेणी का पूर्वाग्रह कहा जाता है चरम स्थिति से बचकर या चरम स्थिति में चरम प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह कहा जाता है पैमाने पर मध्य श्रेणियों से बचकर इन प्रवृत्तियों को उचित प्रशिक्षण के साथ रेटर्स प्रदान करके या ऐसे पैमाने विकसित करके दूर किया जा सकता है जिसमें प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह कम होने की संभावना है तामांकन इस पद्धति का उपयोग अक्सर सहकर्मी मूल्यांकन प्राप्त करने में किया जाता है इसका उपयोग उन लोगों के साथ किया जा सकता है जो लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं और जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं तामांकन का उपयोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को समूह के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को चुनने के लिए कहा जाता है जिनके साथ वो काम करना अध्ययन करना खेलना या किसी अन्य गतिविधि में भाग लेना चाहता चाहती है व्यक्ति को अपनी पसंद का कारण बताने के लिए भी कहा जा सकता है इस प्रकार प्राप्त नामांकन का विश्लेषण व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी गुणों को समझने के लिए किया जा सकता है यह तकनीक अत्यधिक भरोसेमंद पाई गई है हालांकि यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित हो सकती है परिस्थितिजन्य परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के स्थितिजन्य परीक्षण तैयार किए गए हैं इस तरह का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण स्थितिजन्य तनाव परीक्षण है यह हमें इस बारे में जानकारी प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है परीक्षण के लिए एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ दिए गए कार्य को करने की आवश्यकता होती है जिन्हें असहयोगी और हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया जाता है परीक्षण में एक प्रकार की भूमिका निभाना शामिल है व्यक्ति को एक भूमिका निभाने का निर्देश दिया जाता है जिसके लिए उसका अवलोकन किया जाता है उसे क्या करने के लिए कहा गया था इस पर एक मौखिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है स्थिति यथार्थवादी हो सकती है या यह एक वीडियो नाटक के माध्यम से बनाई जा सकती है स्वयं और व्यक्तित्व का अध्ययन हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है एक व्यक्ति का आत्म महत्वपूर्ण अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होता है स्व के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे व्यक्तिगत स्वत सामाजिक स्वत और संबंधपरक स्वर आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता व्यवहार के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके हमारे जीवन में दूरगामी परिणाम होते हैं आत्मनियमन की मनोवैज्ञानिक तकनीकों में किसी के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन आत्मसुदृढ़ीकरण और आत्मनिर्देश शामिल है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो परिस्थितियों और समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं और उसे अद्वितीय बनाते हैं चूंकि व्यक्तित्व हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करता है इसलिए बाहरी या आंतरिक शक्तियों के परिणामस्वरूप इसमें परिवर्तन होने की संभावना होती है व्यक्तित्व का कई दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया है इनमें से सबसे प्रमुख प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक सांस्कृतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण है प्रतीकात्मक दृष्टिकोण कुछ प्रकारों के संदर्भ में व्यक्तित्व का वर्णन करने का प्रयास करता है जो लक्षणों के एक समूह की विशेषता है ऑलपोर्ट कैटल और आइसेंक ने व्यक्तित्व के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की वकालत की है जो एक व्यक्ति के एकीकृत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है फ्रॉइड ने मनोगतिक दृष्टिकोण विकसित किया और हमारे आंतरिक बलों के बीच एक निरंतर संघर्ष के संदर्भ में व्यक्तित्व पर चर्चा की जिसे आईडी अहंकार और सुपरेगो कहा जाता है फ्रॉइड के विचार में अचेतन संघर्ष मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में निहित है जो मौखिक गुदा लैंगिक विलंबता और जननांग चरणों के माध्यम से होता है फ्रॉइडियन के बाद के सिद्धांतकार पारस्परिक शक्तियों और व्यक्ति के जीवन की समकालीन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जंग फ्रॉम एडलर हॉनी और एरिक्सन ने व्यक्तित्व में अहंकार और सामाजिक ताकतों की भूमिका को सामने लाया व्यवहारिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है वे अनुक्रिया को व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई मानते हैं जो किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्सर्जित होती है सांस्कृतिक दृष्टिकोण आर्थिक रखरखाव प्रणालियों द्वारा व्यक्तियों पर किए गए अनुकूलन की मांगों और लोगों के एक समूह की परिणामी सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तियों और उनकी पसंद के व्यक्तिपरक अनुभवों पर केंद्रित है रोजर्स ने वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच संबंध पर बल दिया इन स्वयं की समानता व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाती है मास्लो ने लोगों को प्रेरित करने वाली जरूरतों की परस्पर क्रिया के संदर्भ में व्यक्तित्व पर चर्चा की आवश्यकताओं को निम्न निम्नक्रम जीवित रहने से संबंधित आवश्यकताओं से उच्च क्रम विकास संबंधी आवश्यकताओं तक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है व्यक्तित्व मूल्यांकन कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के संदर्भ में लोगों के विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है लक्ष्य उच्च स्तर की सटीकता के साथ किसी व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करना है प्रेक्षक रिपोर्ट प्रक्षेपी तकनीक और आत्म रिपोर्ट उपायों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है प्रेक्षक रिपोर्टों में साक्षात्कार अवलोकन रेटिंग नामांकन और स्थितिजन्य परीक्षण शामिल हैं प्रोशाइंग ब्लॉक टेस्ट और थमेटिक एपिसेप्शन टेस्ट व्यापक रूप से व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षणों का उपयोग किया जाता है स्व रिपोर्ट उपाय काफी संरचित परीक्षणों का उपयोग करके व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास करते हैं वन स्वयं क्या है स्वयं की भारतीय धारणा पश्चिमी धारणा से कैसे भिन्न है टू संतुष्टि में देरी का क्या अर्थ है वयस्क विकास के लिए इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है थ्री आप व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करते हैं व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए मुख्य दृष्टिकोण क्या है फोर व्यक्तित्व के प्रति विशेषक दृष्टिकोण क्या है ये प्रकार दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है फाइव फ्रॉइड व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या कैसे करता है सिक्स की अवसाद की व्याख्या अल्फ्रेड एडलर की व्याख्या से कैसे भिन्न होगी सेवन व्यक्तित्व के मानवतावादी दृष्टिकोण का मुख्य प्रस्ताव क्या है मासो का आत्मबोध से क्या तात्पर्य था एट व्यक्तित्व मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली मुख्य अवलोकन विधियों की चर्चा कीजिए इन विधियों का उपयोग करने में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है नाइन <णाहिए> संरचित व्यक्तित्व परीक्षण का क्या अर्थ है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दो संरचित व्यक्तित्व परीक्षण कौन से हैं टेन समझाइए कि कैसे प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्तित्व का आकलन करती हैं व्यक्तित्व के कौन से प्रक्षेपी परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं इलेवन अभिहंत डॉक्टरों के परिवार से होने के बावजूद गायक बनना चाहता है हालांकि उनके परिवार के सदस्य उनसे प्यार करने का दावा करते हैं लेकिन उनके करियर के चुनाव को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं काल रोजर्स की शब्दावली का उपयोग करते हुए अरिहंत के परिवार द्वारा दिखाए गए दृष्टिकोण का वर्णन करें शैक्षणिक संकेत वन छात्रों को स्वयं की अवधारणा को समझने के लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है जैसे कि छात्र को अपने बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है टू अवधारणाओं को समझाने के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम तैयार करें अध्याय में दी गई अवधारणाओं से संबंधित चार्ट आरेख तैयार करने में विद्यार्थियों की सहायता करें थ्री जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीकों के महत्व पर जोर दें 4. छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों के नमूना आइटम दिखाए जा सकते हैं उन्हें व्यक्तित्व के विभिन्न मापों में सम्मिलित परीक्षण मदों की तुलना करने के लिए कहा जा सकता है